नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारत में किसी मेट्रो शहर के प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो नर्सरी से 12वीं तक की क्लास की जो पढ़ाई का खर्च है वो लगभग 30 लाख रुपए बनता है। वहीं अगर आप कॉलेज या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ तक तो खर्चा या तो होगा या तो आने वाले समय में हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अगर आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो 10-12% तक तो आने वाले सालों में प्रति साल पढ़ाई का खर्च बढ़ता ही रहेगा। इसको हम एजुकेशन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कैसे आपको करनी है इससे निपटने की तैयारी, इसी पर रहने वाली है आज की खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अमित कुकरेजा, फाउंडर amitkukreja.com और नीलाभ सान्याल, CEO kuvera.in। अमित और नीलाभ, दोनों का स्वागत करते हैं हम आज मनी गुरु के इस खास पेशकश में। और पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, बेसिकली बच्चे की परवरिश का जो खर्च है, ना सिर्फ पढ़ाई पर पढ़ाई के अलावा भी जो खर्च होता है बच्चे पर, खासतौर पर जो मेट्रो शहर में लोग रहते हैं, हम अगर एक आस्पेक्ट ही अभी फिलहाल लें, वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हम में से कई लोग इससे इत्तेफाक भी रखते होंगे। ये जो पढ़ाई का खर्च है, अमित, आप मानते हैं कि आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और जो एक कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड है मेट्रो शहर में, उसमें आने वाले समय में लगभग और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है? लगभग कितना प्रतिशत तक आपको लगता है कि एक बच्चे की परवरिश में किसी एक फैमिली को खर्च करने पड़ेंगे? हाय स्वाति, और मेडिकल एक्सपेंस, इन दोनों में हाईएस्ट इन्फ्लेशन नोटिस किया गया है। मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल को हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं। एजुकेशन में और मेडिकल में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉस्ट है वो वन ऑफ दी हाईएस्ट कैटेगरीज में आता है, तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा। और इसका एक दूसरा रीजन ये भी है स्वाति, कि जैसे जैसे हम लोगों की लाइफस्टाइल और अच्छी होती जा रही है, अर्बन इंडिया में लोगों की अर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो गई है, लोगों की जो सेंसिटिविटीज होती हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, कि हमें इतने अच्छे माहौल में रखना है, एक अच्छे सेंसिबल और सेंसिटिव सराउंडिंग्स में अपने बच्चे को ग्रो करना है, जितना आपका टेस्ट ऑफ लिविंग रिफाइन होता जाएगा उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और भी बढ़ती जाए। तो आप एमिनिटीज में लोग फोकस करने लगेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और विद इन दी इंस्टीट्यूशन विद इन दैट बिल्डिंग पे लोग फोकस करने लगेंगे। तो जितना लाइफस्टाइल एलिमेंट इधर एजुकेशन प्रोग्राम में आता जाएगा उतना ये कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो आने वाले टाइम में ये एक आराम से 8-10% का एक इंक्रीज है जो हर एक पेरेंट को प्लान करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और आप जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जितना जल्दी होंगे उतना ही ज्यादा आपका खर्च बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस इंटरेस्ट से हर कोई सहमत है और हर कोई चाहता है कि वो हो, लेकिन उसको आप इतना भी प्रोटेक्ट ना कीजिए कि वो कल को अपनी स्ट्रगल खुद नहीं फेस कर पाए। तो आपको वो डेलिकेट बैलेंस बनाना है और एजुकेशन प्रोग्राम और एजुकेशन सिस्टम को सेलेक्ट करने में भी वो बैलेंस बनाना है, जहाँ पे उसकी वेलबींग भी इम्पोर्टेंट रहे और उसकी स्ट्रगल जो वो खुद जीत सके, जो वो खुद अपने आप को निखार सके, वो भी इम्पोर्टेंट रहे। बिल्कुल, आप में से कई लोग जो माता पिता भी होंगे वो ये समझ पा रहे होंगे कि नर्सरी में, स्पेशली नर्सरी एडमिशन में, जब बच्चे का नर्सरी में बच्चे का दाखिला कराया होगा, ट्यूशन फीस के हम कुछ एक चार्ट दिखा रहे थे अभी दर्शकों को कि प्री स्कूल से लेकर सीनियर स्कूल तक की पढ़ाई में लगभग औसतन एक प्राइवेट स्कूल में कितना खर्च होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक स्कूल का एक फीस स्ट्रक्चर देखें उसमें वन टाइम एडमिशन फीस भी होती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है और भी न जाने कितने सारे खर्च जो इसमें एडेड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम फिर से दिखा पाएं प्राइवेट स्कूल के औसत खर्च को, एक प्री स्कूल का जो खर्च है ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ औसतन, ये हम औसतन बात कर रहे हैं, 60,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का बनता है सालाना। प्राइमरी स्कूल का ही वही देखें तो लगभग 1.25 लाख से लगभग 2 लाख से कम ये जो खर्च है वो बनता है। मैं चाहती हूँ ये चार्ट एक बार फिर से दर्शकों को दिखाया जाए।
कि लगभग कितना औसत खर्च है जो अभी जो है पेरेंट्स भर रहे हैं अपने बच्चों के स्कूल के लिए। मिडिल स्कूल आप देखिए, मिडिल में लगभग 1.5 लाख से अगेन 1,80,000 तक का खर्च। सीनियर स्कूल में जाते हैं तो 2 लाख तक का ये मामला आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद जरा प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आते हैं नीलाब। मतलब जो एक खर्च करने का जो पैटर्न है वो तो नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, और जैसा अमित बता रहे थे कि लाइफस्टाइल बदल रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस बदल रही है, हम चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो, तो ये भी चाहेंगे कि अच्छी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री मिले एक बच्चे को। तो एक औसतन अगर अच्छा डिग्री कोर्स भी बच्चे को करना है, हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कोर्सेज की बात करें, जैसे MBBS या MBA की पढ़ाई है, BTech की पढ़ाई है, LLB जैसे कोर्सेज हैं, उसमें भी हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है। और खास तौर पर जो विदेशों में पढ़ाई का जो ट्रेंड है, नीलाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसमें काफी ज्यादा खर्च में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स हम जानते हैं कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिसके चलते विदेशों में बच्चों को भेजना भी शायद जो पेरेंट्स होंगे अभी शायद भेजने से पहले 2 बार सोचें। जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। दो चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक पार्ट जो है वो इन्फ्लेशन है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आल्सो इज कि जो लाइफस्टाइल है, हमारी आकांक्षाएं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें और साथ में एक अच्छी लाइफस्टाइल भी दें, तो दैट इज द अदर पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर जो भी हम ट्यूशन फी का एस्टिमेट कर रहे हैं उसके साथ में लगभग लगभग मेरे ख्याल से आप 50% 50% जो है उतना उस एक्स्ट्रा आप स्पेंड करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्कूल में ही जो पीटी के शूज होते थे जब हम छोटे थे तो वो शायद 150 रुपए के पीटी के शूज आते थे। अभी वही शूज हम ब्रांडेड डिफरेंट ब्रांड के शूज लेते हैं, वो 2,500 से 3,000 रुपए के आते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट इस तरह से हर चीज के, यूनिफॉर्म के कॉस्ट, स्कूल आने जाने का कॉस्ट, ये सब चीजें आप ऐड करेंगे तो ट्यूशन फीस से ऊपर आपका करीब 50% एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। हायर एजुकेशन स्पेशली हैज सीन सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, रुपए की दर घटने की वजह से वहां पे ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ गई है। पर आप साथ में ये भी देखिए कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के, वो कम नहीं हुए हैं, वो बढ़ ही रहे हैं पहले से। तो हमारी परचेजिंग पावर एट अ ग्लोबल लेवल काफी बढ़ गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पर इसको अगर आप पहले से प्लानिंग करें, देखिए टोटल मिला के डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ तक अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये 20 से 25 साल की रेंज में आपको ये एजुकेशनल एक्सपेंस जो है अपने बच्चों के लिए बेयर करना होगा। अगर दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के लिए बेयर करना होगा एंड सो ऑन, राइट। तो ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर करने जाते हैं, MBBS मेरे ख्याल में सबसे एक्सपेंसिव कोर्स होगा फ्रॉम अ यू नो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन परस्पेक्टिव। पर अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह देखेंगे तो भी 2.5 लाख से लेके 10 लाख पर एनम तक की रेंज रहेगी, डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट कॉलेज है, किस तरह का स्कूल है वगैरह वगैरह। साथ में एडिशनल एक्सपेंसेस जो होंगे वो यू नो हॉस्टल फीस साथ में होगा। फिर अगर आप पहले बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं ताकि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकें। सिमिलरली हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर देखने जाते हैं MBA के लिए, तो जब हम लोगों ने अपना MBA किया था मेरे ख्याल से हमारी टोटल कोर्स फी साल की 2 लाख रुपए होती थी, जो कि अब बढ़ के मेरे ख्याल से 10 या 12 लाख हो गई है। बट ये भी प्रीमियर बी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे स्कूल्स में जाएंगे तो शायद और इससे ज्यादा फी होगी। तो डेफिनेटली देर हैज बीन इन्फ्लेशन, बट हमारी परचेजिंग पावर साथ में काफी बढ़ गई है। लेकिन एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं के साथ वो करना चाहते हैं, तो हम वी शुड स्टार्ट प्लानिंग एज सून एज पॉसिबल। 20 साल से 25 साल की आपको प्लानिंग करनी है।
20-25 साल की प्लानिंग करना जरूरी है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम अपने इर्द गिर्द अपने खुद के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई का खर्च कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमित, क्या नर्सरी से एक तो जो स्कूल की पढ़ाई होती है 12-14 साल का जो एक पूरा टाइम है जो बच्चा स्कूल में बिताता है, उसके लिए प्लानिंग कैसी हो पेरेंट्स की? और आपको लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए स्पेशल प्लानिंग पेरेंट्स को करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि आज से माने कई सालों के बाद, या जिस पेरेंट ने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की और बच्चा अभी आज से 1-2 या 3 साल के बाद कहीं बाहर पढ़ने के लिए उन्हें भेजना है, या भारत में ही कहीं पर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन करानी है, वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये प्लानिंग का जो ये पूरा एक रोड मैप है किस तरीके से होना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप तैयारी कैसे करें? अति इसको मैं दो प्लान्स बोलूंगा, पहला करंट प्लानिंग, दूसरा फॉरवर्ड लुकिंग प्लान। करंट प्लानिंग में हमको ये फोकस करना है कि आज बच्चे की स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसकी ट्यूशन, उसकी और जो भी एक्टिविटीज हैं जिसमें रेगुलर मंथली एक्सपेंस है या वीकली एक्सपेंस है या क्वार्टरली एक्सपेंस है, वो हम कैसे फंड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों की एक रेगुलर सैलरी है और अगर आप डबल इनकम फैमिली के हैं या सिंगल इनकम फैमिली के हैं और वो सैलरी रेगुलर है, जॉब सिक्योर है, अर्निंग मेंबर को कोई रिस्क नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, तो वो मंथली जो बजट होता है या जो एनुअल बजट होता है उसकी जो एस्टिमेशन होती है उसकी प्लानिंग में ये एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप जो एनुअल 12 मंथ प्लानिंग कैलेंडर बनाते हैं उसमें बजट के हिसाब से अपना कैश फ्लो सेट कर देते हैं। ये तो हो गया करंट प्लानिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल होता है स्वाति, वो होता है फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस एजुकेशन प्लान को आप कराना चाहते हैं, अपने बेटे को कराना या बेटी को कराना चाहते हैं, उसकी आज कॉस्ट क्या है, और उसमें आप अगर इन्फ्लेशन लगाएं तो उसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या है। तो आपका बच्चा आज सपोज 5 साल का है, आप उसको 18 साल में कॉलेज भेजना चाहते हैं, तो 13 साल के बाद अगर 10% की इन्फ्लेशन लगाएं और आज उसका एजुकेशन प्रोग्राम 50 लाख रुपए कॉस्ट करता है, तो 10% की इन्फ्लेशन से वो 13 साल के बाद कितना कॉस्ट करेगा। तो सबसे पहले आप उस प्रोग्राम की फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने बच्चे के लिए अलग की हुई है। अगर की हुई है तो क्या वो 50 लाख से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो आप डिफरेंस को ब्रिज करते हुए मंथली SIP या मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, और अगर ज्यादा है या उतना ही है तो आप उसको परफॉर्मेंस के लिए रिव्यू करेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा प्लानिंग का पार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आपके पास वो पैसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आपको पता ही नहीं होता कि वो एजुकेशन प्रोग्राम किस रेट से इसकी इन्फ्लेशन है, और वो एजुकेशन प्रोग्राम अगर इंडिया के बाहर है तो उस कंट्री का करेंसी और इंडिया का रूपी का रिलेशनशिप क्या है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले तो फ्यूचर कॉस्ट उसकी निकालिए, फिर उस फ्यूचर कॉस्ट को फंड करने के लिए SIP कैलकुलेट कीजिए। SIP का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करें, मैं कहता हूँ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेट कीजिए, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू हो, चाहे वो डेट फंड के थ्रू हो, चाहे वो इक्विटी फंड के थ्रू हो। वो आपको अमाउंट मिल जाएगा मंथली जो आपको इन्वेस्ट करना है, जो आपको उस फ्यूचर कॉस्ट तक पहुंचाएगा 13 साल में या 12 साल में या जो भी वो होराइजन है। आपको होराइजन पता होना चाहिए, आपको रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एजुकेशन प्लान की करंट कॉस्ट पता होनी चाहिए, आपको इन्फ्लेशन पता होनी चाहिए उस प्रोग्राम की, और उससे आप फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसी के बेसिस पे आप SIP कैलकुलेट करेंगे जो आपके ROI पे आधारित होगी। जब इतना हो जाता है फिर आपको ये देखना है स्वाति कि क्या आपकी उतनी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है भी कि नहीं। अगर है तो गुड न्यूज, शुरू कर देते हैं। अगर नहीं है तो क्या हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके सेविंग्स बढ़ा सकते हैं जिससे इन्वेस्टिंग बढ़ सकती है, क्या वो कर सकते हैं? और अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं स्वाति, हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एजुकेशन लोन नाम की भी एक चीज होती है जो टैलेंटेड, ब्राइट, डिटर्मिंड, क्लियर हेडेड बच्चों के लिए बना है, जो बच्चे बहुत फोकस्ड हैं कि उन्हें क्या करना है, वो उस टाइम पे जो भी एक्यूमुलेशन हो जाती है उसको यूज करें, और जो नहीं हो पाती है उससे एजुकेशन लेके अपने सपने को साकार करें।
तो महंगी पढ़ाई कैसे करें भरपाई, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के टिप्स, मतलब कैसे करें पढ़ाई की प्लानिंग, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। कुवेरा.in से निलाप सान्याल हमारे साथ है और हमारे साथ है अमित कुकरेजा, उनसे हो रही है खास बातचीत। निलाप, अब जरा स्टेज वाइज हम थोड़ा समझते हैं। हम यूजुअली कहते हैं कि लंबे अवधि के लिए आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो डेट में आप इन्वेस्ट करें। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रही हूं। इसमें लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म का किसी का अगर नजरिया हो तो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें आपको लगता है स्पेशली पढ़ाई के गोल के लिए किसी को निवेश करना चाहिए? माने किसी का गोल अगर 10 साल से ऊपर है, बहुत ही लंबी अवधि का, तो कौन सी कैटेगरी सही बैठेगी? उसके बाद अगर जितना जितना गोल कम होता है या जितना निवेश नजरिया कम होता है, तब कौन सी कैटेगरीज फिट बैठती हैं? स्वाति, बहुत सही तरीके से आपने पुट किया इसको। अगर हम अपने प्लान को, जो हम इन्वेस्टमेंट रोड मैप को इस तरह से डिवाइड कर लें कि 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 साल से ज़्यादा, तो हम जो उस फाइनेंशियल गोल को किस तरह से इन्वेस्ट करें वो हम इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जब हमारे पास लंबा समय है, यानी 10 साल से ज़्यादा के लिए अगर हम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्राइमरीली इक्विटी में इन्वेस्ट करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करें। उसमें आप कंसिडर करें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप भी, आप उसमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्कीम्स भी आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। अगर 5 से 10 साल के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा बायस लार्ज कैप की तरफ बढ़ाएं और मिड कैप साथ में कंसिडर कर सकते हैं। अगर 3 से 5 साल की अवधि के लिए आप सेव कर रहे हैं, तो इन दैट केस प्राइमरीली लार्ज कैप में करें और साथ में थोड़ा अमाउंट जो है, कॉर्पस जो है, डेट फंड में भी आप इन्वेस्ट करें। मतलब डेट प्राइमरीली फ्रॉम अ लिक्विड स्कीम या मनी मार्केट स्कीम की तरफ मेरा इशारा है डेट से। ओके, फाइन। यहाँ पर अमित, आपसे मैं समझूंगी, ये तो इक्विटी मार्केट की यहाँ पर बात चल रही है, पर कुछ ऐसे हमारी स्कीम्स भी हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें स्पेशली बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग बहुत ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं। वहाँ पर सेफ्टी भी है। मैं बात कर रही हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि की। क्या ये एक एक और तरीका हो सकता है, या अपार्ट फ्रॉम आप इक्विटी में जो आप निवेश कर रहे हैं, थोड़ा पोर्शन आप इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी निवेश करें? क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट ये स्कीम्स हैं, जस्ट लाइक PPF एंड सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स। जी बिल्कुल स्वाति, जो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स होती हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, वो एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं उनमें काफ़ी फेथ रखता हूं और उनको रेकमेंड भी करता हूं। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर या फिक्स्ड इनकम एलोकेशन से आप अपनी मंजिल तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि में आई थिंक 7.4 या 7.6% होगा, उसमें एक अच्छी बात यह है कि बच्चे की एज के हिसाब से उसमें विड्रॉल्स किए जा सकते हैं। लेकिन PPF में आपका 15 साल का लॉक इन होता है और उसमें बहुत ही पार्शियल विड्रॉल्स होते हैं काफी कुछ सालों के बाद, तो PPF शायद एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। हालांकि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन सुकन्या समृद्धि स्कीम एज के हिसाब से विड्रॉल अलाउ करती है, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो फिक्स्ड इनकम आप डेफिनेटली सुकन्या समृद्धि स्कीम में डालें, बाकी का बैलेंस आप एक अच्छे मल्टी कैप डेट फंड के कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो बनाएं और ओवरऑल जो भी आपकी कैलकुलेशन मंथली इन्वेस्टमेंट की निकल के आ रही है उस हिसाब से, और जो आपका एक रिस्क टॉलरेंस है, आप कितनी वॉलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो में उस इन्वेस्टमेंट, उस गोल के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें वो इन्वेस्टमेंट्स करें। म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से बेनिफिट ये होता है कि वो ओपन एंडेड आर्किटेक्चर है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप पैसा विड्रॉ करके दूसरी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक-इन्स नहीं होते हैं, टैक्स सफिशिएंट होते हैं, इक्विटी में तो बहुत कम टैक्स होता है, फिक्स्ड इनकम में भी इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिल जाता है 3 साल के बाद। तो जहां पे टैक्स एफिशिएंसी है और अच्छे रिटर्न्स है जो FD को और मार्केट इंडेक्स को बीट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं और आपके ये फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में काफी मदद करें।
और एजुकेशन लोन लीला कौन से सिचुएशन में सही बैठ सकता है, एक तरीका अपने बच्चे की पढ़ाई को फंड करने का? कई लोग डिबेट कर सकते हैं कि कर्ज क्यों लेना, पर एजुकेशन लोन भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है बच्चे की पढ़ाई को फंड करने का। जी बिल्कुल, देखिए लोन एजुकेशन के लिए काफ़ी एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं, अमाउंट भी अच्छी खासी, अगर आज के हिसाब से देखें तो आई थिंक 30 to 50 lakhs तक का भी एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं। इसका यहाँ पे दो दो एस्पेक्ट हैं इसके, एक तो हमारी सेविंग्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, हमने मान लीजिए पूरा प्लान बनाया कि हम 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमने सेविंग्स की, हमने अपना मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से सेविंग्स की, अमाउंट मान लीजिए उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां पे से बढ़ के इन्वेस्टमेंट बढ़ के आपका उस वैल्यू पे पहुंच गया जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है, जो ट्यूशन फीस और खर्चे वगैरह मीट हो जाते हैं, तो परफेक्ट है, फिर तो लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, विच कुड बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस, मे बी आप प्लान कर रहे थे कि जो एजुकेशन के लिए आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन आपके बेटे या बेटी को डॉक्टर बनना है, तो सडनली उनका कोर्स का चॉइस चेंज हो गया, और बच्चों के साथ होता है 8th, 9th, 10th, 11th में उनका माइंड जो होता है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो आप किस हिसाब से उनका हो सकता है प्लान चेंज हो जाए, आपकी सेविंग्स हो सकता है एडिक्वेट ना हो। एजुकेशन लोन का मेन जो एडवांटेज ये होता है, अगर बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है तो चाहे फिर उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, जो गैप है अगर हम अपने पॉकेट से उस वक्त नहीं पे कर पा रहे हैं, तो लोन मेक श्योर दैट उसको वो अच्छी एजुकेशन से वंचित ना हो, वो वहां पे वो लोन फुलफिल हो जाता है। दूसरी चीज है कि लोन एजुकेशन लोन में नॉर्मली मॉरेटोरियम होता है, मॉरेटोरियम का मतलब कि उसकी जो ईएमआई है, जो लोन को आपको वापस करना है, वो आप पढ़ाई खत्म करने के, मतलब जो भी चाइल्ड है उसकी पढ़ाई, वो अपने बच्चे बच्चा अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के भी 6 महीने 1 साल के बाद वो लोन रीपे करना शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पढ़ाई करने के बाद वो जॉब शुरू कर रहे हैं तो वो अपनी इनकम वहां पे ऑगमेंट करके उस लोन को रीपे कर सकते हैं। तो लाइक आई सेड कि इट विल बी अ पार्शियल यू नो मेथड, कि अगर हमारी सेविंग्स उस स्पेस पे नहीं बढ़े किसी भी वजह से, या हमारी सेविंग्स एडिक्वेट नहीं है कि वो ग्रो होके, मतलब मान लीजिए 10-15% से भी ग्रो हुई, फिर भी हम जो अमाउंट सेव कर पा रहे हैं वो उतना एडिक्वेट नहीं हुआ, वहां पे आप एजुकेशन लोन डेफिनेटली कंसिडर करें, और इट पुशेज द लाइबिलिटी, इट पुशेज द रीपेमेंट बर्डन फर्दर, एंड बाय दैट टाइम प्रोबेबली द चाइल्ड ऑल्सो विल बी अर्निंग। वो भी लोन अपने पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई को फंड करने का, जैसा कि समझाया बहुत अच्छे से नीलाब ने, और बेटर ये रहता है कि आप पहले से एक प्लानिंग कर ले, जल्दी शुरुआत करें। अगर अभी आपका बच्चा छोटा है तो अभी आप उसके आने वाले एजुकेशन की प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए, आगे आने वाले 14 साल या 15 साल में बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजना है। अब तो बाहर जाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, आसानी से कर भी सकते हैं, तो शुरुआत से आप अभी से प्लान करना शुरू करेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। बाकी आयाम और तरीके बहुत सारे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को फंड करने के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे अमित आपका और साथ ही नीलाब आपका भी मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए।